जनपद संभल की चंदोसी में सरकारी मूल्य से कम पर धान बेचने को मजबूर किसान, प्रशासनिक अधिकारियों की देरी की वजह से किसान आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदोसी में स्थित नवीन कृषि उत्पादन मंडी समिति का है, जहां पर आए किसानों का कहना है कि यहां पर कोई भी सरकारी सेंटर नहीं होने के कारण हम लोग आढ़तियों को धान बेचने को मजबूर हैं, जो कि सरकार द्वारा घोषित 1840 रुपए की जगह हमारे धान को हमें सिर्फ 1100 से 1300 रुपए के बीच भुगतान कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस विषय में जब मंडी सचिव अशोक कुमार से बात की गई तो उनका कहना है कि जल्दी किसानों की समस्या का समाधान किया जाएगा और यहां पर सरकारी सेंटर को स्थापित किया जाएगा। कुमार राजकुमार जी, समय कहाँ खड़े हैं आप? मंडी समिति में खड़े हैं। क्या क्या बेचने आए? धान बेचने आए सर। किस रेट में बिक रहा है आपका धान? तो मद्दा बिक रहा है सर, 1400। मद्दा क्यों बिक रहा है जी? कोरोना काल चल रहा है, उस चक्कर से बिक रहा है। अच्छा, सरकारी रेट तो 1800 कुछ रुपए का है। अच्छा, लेकिन अभी 1400 क्यों बेच रहे हैं? नुकसान क्यों हो रहा है? सरकारी लेवी भी हो तभी तो भाव मिलेगा पूरा। सरकारी लेवी नहीं है ना? सरकारी लेवी तब मिलेगा। सरकारी लेवी नहीं है तो आप प्राइवेट को बेचना है? सरकारी लेवी नहीं तो प्राइवेट में पड़ रहा है, इसीलिए मजबूरी में कम रेट बेचना पड़ रहा है। आप देख रहे हो मशीनें चल रही है, ये नहीं चलनी चाहिए। कोरोना काल है, ये चल रही है धान सहलाने की, और जबरदस्त कूड़ा कट कट शाम को आग लगा देते हैं, उससे धुआं होता है, कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार है? शासन जिम्मेदार है, कौन है? ये नहीं होना चाहिए। शाम को आग लगाते हैं, उससे धुआं होते हैं, और कल जो है हमारे एक व्यापारी दम घुट गया। कल एक व्यापारी संजय ट्रेडर्स का, संजय व्यापारी जिसकी 30 वो रह गई थी, क्या नाम है, ऑक्सीजन, वो मरते मरते बचा इसी वजह से। अभी करके आ रहे हैं हम, अभी हाल मीटिंग लेके आ रहे हैं सेक्रेटरी साहब की। सेक्रेटरी साहब ने कही तत्काल हटेगी, उन्हें अनाउंस भी कर दिया। उसके बाद भी अगर कोई करता है तो उन्होंने कह दिया लाइसेंस सस्पेंड करेंगे, उन्होंने हमें आश्वासन दे दिया। फिर भी आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि ये मतलब जो है ऊपर तक आवाज जाए। में जो मशीनों का यहाँ पे जो दुकानदार उपयोग कर रहे हैं, इसकी वजह से उसमें जो डस्ट निकलती है वो इंसानों के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, तो उस विषय में आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? और आज आपसे व्यापारी भी मिले हैं संबंध में, उन्होंने भी शिकायत आपसे की है। हाँ, अभी मेरे द्वारा यहाँ चार्ज देखा जा रहा है, मैं पोस्टिंग मेरी मुरादाबाद में है, तो ये समस्या आई है कि यहाँ चार पहले से मशीनें चल रही हैं इस तरह की, और व्यापारियों द्वारा भी कुछ समस्या बताई गई कि साहब कुछ कह रहे हैं कि साहब इससे पोल्यूशन होता है, कुछ समर्थक हैं उसके, तो आज मीटिंग ली थी हमने इस संबंध में समाधान करने के लिए। और ये भी कहते हैं किसान माल सुखा कर नहीं लाते हैं, उनका हमारा माल खरीदने के लिए सुखाना पड़ता है, जैसे कि सरकारी सेंटरों पर भी होता है कि जो धान खरीदते हैं उनको माल जो मिलर आता है उसको भी सफाई वाला धान चाहिए, तो ऐसी स्थिति में माल तो सफाई करनी पड़ेगी, या तो किसान खुद लाए करके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो उसकी सफाई व्यापारी तो सफाई करने के बाद ही ले पाएगा उसको। और किसान ही भाइयों से हमारा अनुरोध है कि मंडी को स्वच्छ रखें और अपना खेत पर ही उसके माल को सुखा कर लेकर आएँ, जो है ये हम उनसे अनुरोध करेंगे और माइक के माध्यम से भी उनको हम बताएंगे, इस व्यवस्था में परिवर्तन कराएंगे, सभी को साथ में लेकर चलेंगे। सर, आज व्यापारी आपसे मिले, व्यापारियों क्या मांगे थे, किन मांगों को लेकर आपसे उन्होंने मुलाकात की? व्यापारियों की आज कुछ व्यापारी जो लोग मशीन नहीं चलाते हैं या थोक व्यापारी हैं, वो कह रहे थे कि इससे पोल्यूशन हो रहा है, इसको बंद किया जाए। और जो लोग अधिकतर लोग 50% लोगों के पास मशीनें हैं यहाँ पर आढ़ती के पास में, जो माल कि धान जो आता है वो आढ़ती के पास ही आता है, वो आपस में दोनों में मतभेद हैं उनमें, तो हमने जो नहीं चाहते थे वो भी आए थे, जो चाहते थे वो भी आए थे, दोनों को बुलाया है, दोनों के साथ में बैठ के वार्ता हुई है। आज वो आप 2 बजे मीटिंग करेंगे अपनी, और इस संबंध में जो भी उचित निर्णय होगा, चूँकि ये काफ़ी पहले चला हुआ आ रहा है, और इसमें करेंगे जो भी निर्णय होगा। सर, जैसे कि मंडी परिसर के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई दी, तो उसमें कुछ यहाँ पर कोई सफाई करनी नहीं है, तो सफाई की व्यवस्था को देखिए, और सफाई हो जाएगी नहीं, ये तो कोरोना काल चल रहा है और लोगों की सेहत पर बड़ा असर पड़ेगा इससे। किससे? गंदगी से। नहीं, गंदगी कहाँ मंडी में? मंडी में खरीदा, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। नहीं, गंदगी तो मंडी ऐसी जगह है, सुबह से शाम तक गंदगी भी होती है, रोज़ सफाई भी होती है। हमारे जो है 12 आदमी यहाँ काम कर रहे हैं, और वो सुबह से लगे रहते हैं, पहले सुबह सब्जी मंडी साफ करते हैं 10 बजे के बाद में, उसके बाद फिर गल्ला मंडी साफ करते हैं शाम को। आप देखो कितने लोग आते हैं यहाँ पे, और माल 24 घंटे ही आता रहता है ना, तो आता भी रहता है, बिकता भी रहता है, तो गंदगी होती रहती है, उठती रहती है। यदि सफाई नहीं होगी तो मंडी में कूड़े का अंबार हो जाता है आज तक जो है। सर,